बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 22 अप्रैल सन 2022 और दिन है जुमा का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुमा मुबारक हो। तो माशाल्लाह से ये रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा है और अगर बात करें इस्लामी तारीख की रमज़ान मुबारक 1443 हिजरी है और अगर देसी तरीक की बात करें तो आज 9 बैसाख और 2079 बकरमी है। अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात इस माह मुकद्दस की बाबरकत से पूरा करे और जो भी इस वक्त मरीज़ हैं अल्लाह ताला उन सबको जल्द से जल्द शफाए कामला अता फरमाए और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उन सब की मगफरत फरमाए। तो अगर बात करें हज कोटा के हवाले से तो माशाल्लाह से सऊदी अरेबिया की तरफ से हज कोटा का जो है वो ऐलान हो चुका है। जो ओमान के हवाले से जो ओमान को हज कोटा दिया गया है हज 2022 के लिए, तो उसकी तादाद मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, यानी 6338 तादाद है, यानी 6338 पर्सन। और अगर पाकिस्तान की बात करें हज कोटा के लिए 2022 के लिए, तो उनकी टोटल तादाद है 81132 यानी 81132 पर्सन की। और दोस्तों अगर हज कोटा के हवाले से इंडिया की बात करें तो इंडिया को जो हज कोटा 2022 के लिए मिला है वो मिला है 79237 यानी 79237 पर्सन के। तो ये हज कोटा के हवाले से भी जो ऐलान हो चुका है, अल्लाह ताला आपको हज 2022 की सादत नसीब फरमाए या फिर आपको अल्लाह ताला उम्रा की सादत नसीब फरमाए। तो आपके जहन में कोई भी ओमान के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो पर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी रिप्लाई दी जाएगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नमाज जुमा की तैयारी करते हैं और हमारे हक में भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।